मंझगवा एसडीएम पीएस त्रिपाठी और नायब तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह ने चित्रकूट में ओवरलोड अवैध बालू गिट्टी लादकर लाने वाले ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां कार्रवाई से बौखलाए अवैध बालू गिट्टी माफिया ने पीलीकोट तिराहे पर टक्कर मारकर दो बिजली के पोल तोड़ दिए। वहीं विद्युत पोल टूटने के कारण चालू विद्युत लाइन के टूटे तार सड़क पर ही पड़े रहे, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान ने विद्युत विभाग को पोल टूटने की जानकारी दी। इस दौरान विद्युत विभाग के द्वारा मेंटेनेंस कार्य शुरू करते हुए अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। अज्ञात ट्रक द्वारा मारा गया, जब सूचना मिली तभी वहां की करंट काटी गई, अन्यथा कोई दुर्घटना भी हो सकती थी, केबल टूटी हुई पड़ी थी रोड पे। ये 440 वोल्ट एलटी लाइन है जिससे उपभोक्ताओं को कनेक्शन वितरित किए जाते हैं। अगर मेजर झटका लगता तो स्प्लिट भी हो सकती थी, चूंकि ट्रांसफार्मर किया गया स्टाफ द्वारा सुबह, तो वहां के फ्यूज भी डिस्कनेक्ट नहीं थे, केबल में लाइट चालू थी, केबल थी, इसलिए दुर्घटना के चांस कम थे। जहां एकदम ओपन कंडक्टर होता तो दुर्घटना के चांस बढ़ जाते हैं। चला होगा ये, अब रात में जो बालू ट्रक वाले आते टूटी है, अब कितनी देर टूटी है हमको ये मालूम नहीं। हाँ, फिर आपको कैसे जानकारी? हमको ये आदित्य बताया था भाई, फिर हमको कितने बजे ये हमको सवेरे बताया 7 बजे तक। तो क्या लाइन चालू थी क्या? लाइन अब उसके समय तो चलते अब जैसे कोई अगर कोई उसकी लाइन के चपेट में आया तो निश्चित तौर से दुर्घटना। कुछ जानकारी मिली कितने बजे लगभग ट्रक तोड़ा है, क्या हुआ, कितने बोल बोल टूटे हैं? अचानक जब भ्रमण किया तो वहाँ एक ट्रक पाया गया जिसको जब्त करके थाने में खड़ा किया गया है, और मैंने नायब तहसीलदार थाना प्रभारी को कहा है कि वो नियमित जो है प्रत्येक दिन जो है भ्रमण करें और देखें कि ऐसा अवैध रूप से कोई परिवहन ना हो। इसलिए कि अगर परिवहन करने वाले भागा दौड़ी करके दुर्घटना होने की संभावना रहती है, तो अगर नियमित कार्रवाई होगी या जांच होगी तो निश्चित ही इस पर आरोप लगेगा।